आपको इस वीडियो में एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताया है जिसकी मदद से आपका फोटो जो है लाइफ टाइम के लिए रखा रहेगा और उसमें आपको कोई पैसे चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे और वो फोटो आप लाइफ टाइम रख सकते हो, 10 साल, 5 साल, जितने साल चाहोगे उतने साल रख पाओगे। और ये आप फोटो कहीं दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं आपने फोटो रख दिया वो खत्म तो नहीं हो जाएगा, क्वालिटी भी आपकी नहीं घटेगी। जैसा फोटो आप रखेंगे 20 साल 25 साल बाद भी आपकी क्वालिटी वैसे ही रहेगी। और ये फोटो आप जो रखेंगे, आप फैमिली का रखें किसी का रखें, ये आपका दूसरा लोग नहीं देख पाएगा, जो जीमेल का आईडी पासवर्ड जानेगा वही देख पाएगा। बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है, कभी डिलीट नहीं होगा, पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा मोबाइल फॉर्मेट होने के बाद भी। सब कुछ बताएंगे डिटेल से, एक छोटा सा काम कर दीजिए ना, वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो धन्यवाद। और वीडियो भेज दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप में क्लिक करिए, अपने दोस्त के साथ सब जगह भेज दीजिए। कमेंट में लिख दीजिएगा फोटो बैकअप ट्रिक, ठीक है, फोटो बैकअप ट्रिक जो है आपको कमेंट में लिख देनी है। अब चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं, ठीक है। आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ये बहुत सारे फोन में पहले से भी होता है लेकिन इसका नया वाला वर्जन जो है ना उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और मैं बता दूं आपको शुरू में ही कि आपका फोन अगर टूट जाए, खो जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं कोई चोर लेके भाग जाए तो कहीं आपका फोटो डाटा वगैरह नहीं जाएगा। अब चलते हैं आगे मेथड की ओर। मेरे फोन में कुछ फोटो हैं, ये देखिए बहुत सारे मेरे फोन में फोटो हैं, मुझे ये पूजा वगैरह हुआ था ना, सरस्वती पूजा वगैरह, तो उसका मेरे पास फोटो है, या तो मेरे पास कुछ ओल्ड फैमिली वाले फोटो हैं उसको मुझे रखने हैं, तो कैसे रखेंगे उसको ताकि कभी डिलीट ना हो। तो देखिए आपको ये ओपन करना है। अब यहाँ पे इंटरनेट जो अपना चालू रखिए, प्लस पे क्लिक करिए, पहले तो यहाँ पे अगर ऐसे आ जाएगा तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, ये फोल्डर फाइल पे क्लिक कर दिए हैं, फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करिए, फोल्डर पे क्लिक करिए, मैं लिख लेता हूँ एक अपना फोल्डर बना लेता हूँ माई फोटो, क्रिएट कर दीजिए, फिर एक फोल्डर बनाइए, मैं लिख लेता हूँ एक माई फैमिली फोटो, और एक और मैं बना लेता हूँ माई स्कूल फोटो। खैर ऐसे ऐसे आप 50 फोल्डर बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ से फोल्डर बन गया, फोल्डर पे क्लिक किया, फोल्डर बन गया मेमोरी, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे हमने बना लिया। अब मुझे जो है अपने एक फैमिली फोटो जो है ना इसको मुझे कलर चेंज करना है, क्योंकि सब ऐसा ही कलर है, इस पे क्लिक करिए, चेंज कलर पे क्लिक करिए, ब्लू कर दीजिए, ब्लू हो गया, रेड कर देते रेड हो जाता, हमने ये कर दिया। खैर ये तो कलर वगैरह हमने किया, प्लस पे क्लिक करिए, सॉरी प्लस पे मैंने बोला, फोल्डर में जाइए, मुझे जो है ना कुछ फैमिली फोटो इसके अंदर रखना है। अब देखो इसके अंदर जाना है और देखो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि नहीं तो कुछ मिस कर जाओगे। प्लस पे क्लिक करना है, अब यहां पे अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक हमने किया, ये देखो एक फोटो दो फोटो, ये दोनों मुझे बैकअप करना है, बैकअप मतलब मुझे रखना है। अगर ऐसे ऐसे मैं 10 फोटो में चाहूं तो 10 फोटो में सिलेक्ट कर सकता हूं, ये देखो 6 सिलेक्ट हो गया, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए यार, मुझे ये और ये यही दोनों चाहिए, ये तो चलो इसको कर लेते हैं 3 फोटो, ठीक है, ये भी ले लेते हैं, और ये मेरा बहुत ज्यादा हो गया यार, 5 फोटो मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं ओपन कर देता हूं। ये देखो वेटिंग फॉर वाईफाई हो गया, ऊपर से क्लिक करिए, ये देखो ऐसा बता रहा है, तो यह जो है ना डाउनलोड नहीं शुरू हुआ होना, तो इसको डाउनलोड शुरू करने के लिए इस पे क्लिक करिए, फिर इस पे क्लिक करिए, फिर इस पे, ऐसे में देखो यार थोड़ा डाउनलोड होने में ना टाइम भी लग जाता है, तो इसको टाइम को बचाने के लिए ना एक सेटिंग करना है, ये तो डाउनलोड होते रहे अपलोड होते रहेगा। ये देखो एक हो गया अपलोड, यहाँ से बैक आ जाओ, एक सेटिंग पहले कर लो, यहाँ पे आ जाओ, देखे हो ना मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, फिर सेटिंग पे आ जाओ, सेटिंग में किधर है, ट्रांसफर ओवर वाईफाई ओनली, इसको बंद कर दो, ओके इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब जो है ना, अब देखो मैजिक ट्रिक, फैमिली फोटो हमारा हो गया, अब ये 5 फोटो अपलोड हो गया, मुझे एक और इसमें डालना है, या तो इसको छोड़ो, मैं मुझे
माई फोटो को डालना है, माई फोटो के अंदर डालना है। माई फोटो में जाऊंगा, फिर इस पे जाऊंगा, फिर अपलोड पे क्लिक करूंगा। अब यहां से फोल्डर में ढूंढना फोटो डालना है, या तो इस पे आ जाओ, गैलरी सिलेक्ट कर दो, गैलरी, चलो मैं गैलरी सिलेक्ट मैंने कर दिया। अब मेरा फैमिली फ़ोटो किधर है, या तो अपना ही फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो डाल देंगे। चलो यार, चलो चलो, किधर है किधर है, माई पिक, ये मेरा कुछ है फ़ोटो, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये एक ही सिलेक्ट होगा क्या यार, एक फ़ोटो मैंने, ओ ये एक ही होना शुरू हो गया, लेकिन ये अपलोड होना ऑटोमेटिक शुरू हो गया, हमको जो इस बार इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे ही हम और फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करना है, मैं अपने फोटो को मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे ही जाके। यार ऐसे दिक्कत होती है, ये देखो मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा है। हाँ ये मुझे मिल गया, एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, और किधर है, और किधर है, ये मेरा खुद का फोटो, पाँच छः और ग्रुप, तो ये मैंने 32 फोटो मैंने सिलेक्ट कर दिया। इतना यार काफी है, वीडियो थोड़ा डालेंगे ना, वीडियो ज्यादा MB का हो जाएगा। ओपन कर दीजिए इसको, ओपन कर दीजिए, ये देखिए प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, ये सब फोटो जो है ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे जाएगा। और अब देखिए इसको हम जो है, अब अगर मुझे इस फोन, मेरा ये फोन अगर खो गया तो इस फोन में कैसे देखेंगे, चलिए अभी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले ये सब जो हो रहा है ना, इसको होने दीजिए, ध्यान रहे अगर इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा ना तो एक कट जाएगा, तो इसको इसलिए होने देते हैं। ये देखो लगभग हो गया, लेकिन कुछ हो रहा है, इसको सबको होने देते हैं, मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। अब ये देख लो यार, मेरा सब फोटो आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा कोई भी फोटो जो आया है ना, उसका क्वालिटी नहीं घटेगा। फेसबुक तो क्वालिटी घटा देता है ना, लेकिन इसमें मेरा कोई भी क्वालिटी नहीं लॉस होगा। ये देखिए मेरे फोटो काफ़ी HD में है, और ये और लोड होता है, बस इंटरनेट जब भी देखना होगा इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये अच्छी बात है यार, ऑसम बात है। अब यहाँ पे बैक आ जाते हैं, ये सारे मेरे फोटो अपलोड हो गए, जब तक नहीं मेरा पूरा हुआ ना तब तक मैंने फ़ोन को ऐसे ही रख दिया, तो आप भी जब अपलोड करते हैं तब तक फ़ोन को मत छूइए। अब बैक आ जाइए, अब मेरा माई फोटो का जो कलर है मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये लाल कलर, ये ब्लू कलर, ऐसे आप स्कूल वाला फोटो आप कुछ और डाल दीजिएगा। अब ये देखिए ये सारे हैं, अब ये फोटो मुझे इस फोन में कैसे दिखेगा, मान लीजिए ये मेरा नया फोन है, ये मेरा चोरी हो गया फोन, तो फोटो तो सब है ना, हमने इंटरनेट पे डाला, तो अब देखिए इसको इस पे क्लिक करिए, और ये देखिए जीमेल, ये मेरा जीमेल है, और मुझे इस जीमेल को याद रखना पड़ेगा, इसके पासवर्ड को भी याद रखना पड़ेगा। अगर मैं ये जीमेल में भूल जाऊंगा तो फिर मुझे यह फोटो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे यह जीमेल अगर मैंने कहीं लिख के अपने स्कूल सर्टिफिकेट या कहीं ऐसे जगह मैंने लिख दिया, दो तीन जगह, कि अगर एक जगह से मैं अगर भूल गया तो दूसरे जगह मेरा याद रहेगा। जैसे आप अपने 10th के सर्टिफिकेट वगैरह रखते हो ना, तो उसी में अपना ये जीमेल भी लिख दो, पासवर्ड भी उसका लिख दो, और फिर कभी भी जब चाहे आप अपने फोटो को देख पाएंगे, कभी आपका फोटो नहीं खोएगा, मोबाइल टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका फोटो सेफ रहेगा। आप इस वीडियो को जितना फैलाएंगे उतने लोग जानेंगे, आप इसमें अपना सर्टिफिकेट, पेपर, सब कुछ इसमें रख सकते हैं, कभी इसमें जंग नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, तो वीडियो सब जगह फैलाइए। ओ या वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए लाइफ सेविंग ट्रिक, या तो लिख दीजिए फोटो बैकअप ट्रिक, ठीक है, दूसरा कमेंट लिख देना है फोटो बैकअप ट्रिक, कमेंट में लिख दीजिए।